अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टे का डिज़ाइन जो है वो शेयर करूंगी ये मैंने घर पर तैयार किया है स्टार्ट में मैंने आपको दिखा दिया है तो अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा आगे ईद आ रही है तो ईद के लिए आप इस तरह का दुपट्टा घर पर तैयार कर सकती हैं तो दुपट्टे के लिए मैंने औरगेंज़ा फ़ैब्रिक लिया है और सिल्क फैब्रिक मैंने थ्री कलर के कंट्रास्ट में लिया है आप कंट्रास्ट कोई भी अपनी मर्जी से ले सकती हैं तो यहाँ पर मैंने एक हार्ड पेपर लिया है जब हम बाज़ार से कपड़े खरीदते हैं तो साथ ही एक हार्ड पेपर भी मिलता है जिसके ऊपर डिज़ाइन होता है तो वो कभी भी फेंका ना करें अगर आप स्टिचिंग करती हैं तो वो आपके बहुत काम आता है तो उसके ऊपर पहले पैटर्न को ड्रा कर लेंगे ड्रा करने के बाद फिर हमने इसको कट करना है ताकि हमारे पास एक अच्छा सा पैटर्न आ जाए तमाम डिज़ाइन जो है वो एक जैसे होने चाहिए ये नहीं कोई बड़ा कोई छोटा तो वो अच्छा नहीं लगता तो सबसे पहले यहां पर हमने इसको कट कर लेना है कट करने के बाद फिर हम इसको ड्रा करेंगे तो बिल्कुल जो नोक है या फिर इसके जो कॉर्नर हैं वो आपने बहुत अच्छे से बनाने हैं क्योंकि जितना अच्छा आप बनाएंगी कटिंग करेंगी या ड्राइंग करेंगी उतना तो ही अच्छा आपका डिजाइन बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर जो डिजाइन है वो मैं औरगेंजा फैब्रिक वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ब्रांडेड ड्रेसेस या डिजाइनर ड्रेस जो हैं उनके साथ भी दुपट्टे इसी तरीके से आ रहे हैं तो आप घर पर इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा तैयार कर सकती हैं अब ये देखिए ये लेफ्ट ओवर बुकरम है जो इस तरह से हमारा बच जाता है तो मैं फेंकती नहीं हूँ इस तरह से रीयूज हो जाता है मेरी वीडियोज में तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख कर इसको पहले पिन अप कर लेना है और पिनअप करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो आउटलाइन है वो देनी है और उसको बाद में इसको कटिंग मैंने बिल्कुल नहीं करना तो ये पेंसिल की मदद से इसको मैं पहले ड्रा कर लूँगी तो ये देखिए इस तरह से हमने पेंसिल की मदद से एक स्केच सा बना लेना है अब ये देखिए इस तरीके से आपके तमाम के तमाम जो पत्ते हैं वो एक ही शेप में बनकर तैयार होंगे ठीक है जी तो यहाँ पर स, जितने भी मुझे पीसीस चाहिए तो वीडियो के लिए फिलहाल मैं चार से पांच बना रही हूँ बाकी मैं ऑफ कैमरा बना लूंगी बाकी का जो दुपट्टा है तो इस तरीके से सारे पीसीज मैं रेडी कर लूंगी ये देखिए इस तरह से सारे पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं अब इनको ये सिल्क फैब्रिक जो मैंने आपको कंट्रास्ट तीन दिखाए थे उसको मैं उसके ऊपर रखकर इसको मैं अच्छे से आयरन कर लूंगी इसको अच्छे से आयरन मैंने कर लिया है और ये पीसेस मैंने सेपरेट दो दो जो है वो सेपरेट रखे हैं और एक जो है वो सेपरेट ही है और इस तरह से मैंने इनको आयरन अच्छे से कर लिया है अभी मेरे पास वूल थ्रेड है जिस जिस कलर का भी आपने लीफ बनाना है उस उस कलर का आपने साथ का थ्रेड ले लेना है मैं ज्यादा जो है वो रिकमेंड करती हूँ कि जो अगर आपने आउटलाइन मोटी रखनी है तो आप वूल थ्रेड यूज किया करें तो ये बॉबिन में भी मैंने भर लिया है साथ के कलर की मैंने नलकियां भी ले ली है अब ये देखिए सबसे पहले मैं पिंक बनाने लगी हूं तो मैंने साथ की नलकी और साथ का जो वूल थ्रेड है वो मैंने बॉबिन में भर लिया है अब सबसे पहले मैं इसकी जो आउटलाइन है वो ड्रा करूंगी अच्छा देखने में आपको वीडियो जो है वो काफी लेंथी काफी इसके स्टेप्स जो है वो लग रहे होंगे क्योंकि मैं वीडियो जो है वो बहुत डिटेल से बनाती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है वो वीडियो में डाउट ना रहे किसी किस्म का भी और आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं हर वो क्लिप एड करती हूँ जिस जो कि आपके लिए इजी हो जाए वीडियो को बनाने में या डिजाइन को बनाने में तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आउटलाइन दे रही इस तरह से जितने भी पीसेज है सबके ऊपर हमने बाय वन एम्ब्रॉयडरी करनी है, अब का नंबर है तो येलो के ऊपर होता, होता, होता है तो आपने थोड़ा सा जो सेंटर वाला पीस है यानी कि जो सेंटर वाला नंबर है आपने वो लेना है उससे ये होता है कि आपको डबलिंग नहीं करनी पड़ती अब ये देखें ये पिंक वाला जो था ना मेरे पास बारीक था उसकी वजह से मुझे दो दफा सिलाई लगानी पड़ी अगर यही मेरे पास मोटे वाला होता तो मुझे इतना ज्यादा खपना ना पड़ता मुझे दो दफा सिलाई ना लगानी पड़ती तो मैं इसी वजह से आपको वीडियो में भी बता रही हूं कि अगर आपके पास मोटे वाला है तो आपने वही यूज करना है सारे पीसेस हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं अब ये सेंटर में आपको जो नजर आ रहे है जो हमने आउटलाइन दी थी उसको हमने इस तरह से ब्लैक कलर की नलकी और वूल थ्रेड से इसको फिल करना है लेकिन अभी सबसे पहले हम इसको पहले काविया कर लेंगे यहाँ पर मैं काव्या जो है सोल्डिंग आयरन वो सिक्सटी वाट की यूज कर रही हूँ काफी कमेंट्स आते हैं कि आप कौन से वाट की सोल्डिंग आयरन यूज करती हैं तो मैं हमेशा 60 वाट की करती हूँ मेरे पास थर्टी वाट की भी है लेकिन ज्यादा जो है वो मैं सिक्सटी वाट की ही करती हूँ तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से कट कर लूंगी तो नीचे मैंने आयरन नीचे मैंने लकड़ी का एक बोर्ड रखा है और उसके बाद में इसके ऊपर से काविया कर रही हूँ काव्या आपने बिल्कुल किनारे किनारे से करना है जो आपने एम्ब्रॉयडरी की हुई है उसको बिल्कुल टच नहीं करना क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो टांका तोड़ देगी और वो उधरना शुरू हो जाएगा तो आपने ये काम नहीं करना तो सारे पीसेज ये देखें कट वर्क हो गए हैं तो अब ये खराब नहीं होंगे बिल्कुल भी आप जैसे मर्जी इसको वॉश करें क्योंकि ये सिक्योर हो गए हैं अब सबसे पहले तो हमने दुपट्टे का जो इसके पल्लू हैं उसके ऊपर इस तरह से कट वर्क देना है तो मैं इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से कटवर्क दे रही हूँ आप कॉर्नर वाले कटवर्क भी दे सकती हैं तो बस इसी तरह अंदाजे से ही मैं इसको जो है वो कटवर्क दे दूंगी दुपट्टे के ऊपर इससे बड़ी नीटनेस ही आ जाती है अगर आपका भी ऑर्गेंजा का दुपट्टा है अगर वो थोड़ा सा प्रिंटेड भी है तो आप घर पर इस तरह से कटवर्क जो है वो बना सकती हैं आपके दुपट्टे के ऊपर बना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा तो इसको अच्छे से काव्या करके इसको नीट कर लूंगी और उसके बाद जो हमने पत्ते तैयार किए हैं वो हम इसके ऊपर अटैच करेंगे अब ये बिल्कुल भी क्योंकि सिक्योर हो गया है हमने इसके ऊपर इंब्रॉयडरी भी कर ली है और इसके बाद हमने इसको अच्छे से काव्या भी कर लिया है तो ये देखिए इसके कॉर्नर कितने अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा हमारा तैयार हो गया है आप इस तरह का दुपट्टा बनाएं अपनी अम्मी को ईद पर गिफ्ट करें उनको बहुत पसंद आएगा तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से कटवर्क कर लिया है अब ये जितने पीसेस हमने तैयार किए हैं उनको हम अटैच करेंगे तो ये वाला पीस जो है वो मैं सेंटर में रख रही हूँ और जो दूसरे पीसेस हैं उनको मैं पहले इस तरह से रख लूंगी और जो येलो वाला है वो इस तरह से साइड में चला जाएगा तो ये अच्छे से हमने इसके ऊपर सबसे पहले तो ये मेरे पास ग्लू स्टिक है इसकी मदद से पहले मैं इसको लगा लूँगी और उसके बाद जो इसकी साइड्स हैं उसके ऊपर से हमने टॉप स्टिच कर देना है यानी कि साधन निकलें और उसकी मदद से इसको अच्छे से जो है वो सिलाइयाँ लगा के पक्का कर लें ये देखिए ये वाली ग्लू स्टिक मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सी ग्लू स्टिक यूज़ करती हैं अब हमने क्या करना है कि ये देखें इस तरह से नीचे वाली साइड पे जो आपको नजर आ रहा है तो ब्लैक कलर की मैंने नलकी ली है और ब्लैक कलर का ही मैंने वोल थ्रेड लिया है और उसकी मदद से ये देखें मैं इस तरह से नीचे से इसकी जो पत्तियों की शेप है वो फिल कर दूंगी नीचे से जो हमने शेप दी हुई है बस उसी को फॉलो करते हुए हमने इसके ऊपर से स्टिच करते जाना है बहुत इजी तरीका है जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से कोई भी लड़की जो बिगनर्स है सिलाई सीख रही है इजीली इस दुपट्टे को बना सकती है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बस आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगी तो आपका बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा ईद के लिए तैयार हो जाएगा तो इस तरह से हमने जितने भी पीसीस है सबके ऊपर सिलइंगा जो है वो लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो लुक है वो कितनी अच्छी आई है अब ये इसकी नीचे वाली साइड है और ये इसकी ऊपर वाली साइड है ये देखिए इस तरह से सबके ऊपर हमने जो है वो स्लाइंगा लगा लेनी है और जो साइड से हाँ है उसके ऊपर भी हमने टॉप स्टिच जो है वो कर देना है तो ये टॉप स्टिच भी मैंने कर दिया है स्लाइंगा भी सारी हमारी लग गई है तो आप देख सकते हैं नीचे से भी आप देखें कि सिलाई लगाने के बाद ये सिक्योर हो गया है बिल्कुल भी ये उधड़ेगा नहीं बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा तो यहाँ पर दुपट्टा हमारा बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो गया है तो आप इसको अपने ईद के ड्रेसेस के ऊपर बनाएं कोई भी प्रिंटेड टू पीस फैब्रिक लें उसके साथ ये दुपट्टा और गेंजा का तैयार करें और अपना बहुत ही खूबसूरत सा ईद का जो ड्रेस है वो तैयार करें अपनी अम्मी को बनाकर दें उनको बहुत पसंद आएगा अपनी सिस्टर को बना कर दें उनको भी बहुत पसंद आएगा मतलब ये कि डिसेंट सा है और इसके और स्टाइलिश भी है तो घर पर ईजिल आप बना सकती हैं लेफ्ट ओवर फैब्रिक की मदद से लेफ्ट ओवर जो बुकरम है उस की मदद से घर पर धागे इस तरह से पड़े होते हैं उनको यूज करें तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो और मेरा आज का डिजाइन कैसा लगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर फॉलो कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर दे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे भी में हमेशा याद रखा करें मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज में अल्लाह हाफिज